जय गो माता। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ये मस्ती करता हुआ धमा, इसका नाम धर्मेंद्र। आप सभी मित्रों जानते हो, बुल को कोई परिचय देने की ज़रूरत है नहीं। चमना गिर गौशाला का है धर्मेंद्र बुल, चमना गिर गए का है बछड़ा, और कुबेर का ही बछड़ा। साइड साइड कुबेर है और मदर साइड जमना। एकदम हेवी क्वालिटी का ये बुल जो सनी भाई ने ब्रीड किया हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मिल्किंग के बाद का थोड़ा खुला छोड़ा है, तो रनिंग करेगा उसकी हिसाब से, तो उसकी डाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा फास्टेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज होगी वो प्रोसेस, इस वजह से वो थोड़ी उसकी रनिंग हो जाएगी तो अच्छा रहता है। वैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, धर्मेंद्र को आपने क्या खिलाया है। अभी ये एक साल का हुआ है, आप देख लीजिए एक साल में उसका कितना ग्रोथ है। इतना ग्रोथ ज़्यादातर हमें डेढ़ साल या पौने दो साल के आसपास 20-21 महीने में मिलता है। पर धर्मेंद्र का जो खास ये बात है, सीक्रेट है, मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ। धर्मेंद्र एक टाइम का कम से कम 15 लीटर मिल्क पीता था जब छोटा था। 8 महीने तक उसको लगातार ऐसा मिल्क चला ही रहा। जब भी कोई गाय नई बियाती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम के दरमियान उसका बछड़ा सब मिल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका मिल्क इतना पी नहीं सकता वो गाय का, उसकी मदर का। जो गाय का दूध बचता था वो हम धर्मेंद्र को उसके साथ लगा देते थे। और वो भी मैं आपको सामने बताने चाहता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरी एक गाय दूसरे गाय के बछड़े को दूध पीने नहीं देती, वो बात गलत है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करना चाहूँगा। एक साथ एक गाय को 3 बछड़े मिल्क पी रही है और एक बछड़ी है जिसकी मदर को मिल्क ही नहीं, उसका थन चालू नहीं है, तो अलग अलग 3 गौ माता का मिल्क पी रही है। वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ। धर्मेंद्र का सीक्रेट वही है कि उसने बहुत सारा मिल्क पिया। 8 महीने तक तो उसने लगातार मिल्क ही पिया है, खाना कम थोड़ा थोड़ा खाया है। जो चारा रहता है, जो फीड है उसका, वो एकदम कम गया। मेन फीड उसका है उसका मदर मिल्क ही था और बाकी सब गाय का मिल्क था। जो भी गाय है मिल्क दे रही है, और जमुना गिर गौशाला में पहले से सिस्टम है, मिल्क कभी बेचा है नहीं। घर के लिए थोड़ा बहुत 2 लीटर लगते हैं शाम को, सुबह 4 लीटर हो गया, बाकी सब तमा पी जाता था। तमा के साथ साथ जो भी बचता था, अगर बच जाता है क्योंकि गाय बियाती है तो बच ही जाता है, तो वो पूनम की बेटी को भी दिया जाता था। और अभी एक साल का हुआ है, उसकी मदर के साथ चारा भी खाएगा और फीड भी अभी चालू ही है, उसका मदर मिल्क चालू ही है। लोग हमें बोलते हैं कि 9 महीने तक ही पिलाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हम इसको जब तक ड्राई नहीं होगी गाय तब तक उसको मिल्क पिलाने वाले हैं। तो ये सब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी आप मिल्क का पर्पस रखोगे तो ऐसी ब्रीड नहीं बन सकेगी। वैसे मिल्क भी सेल करना ज़रूरी है इकोनॉमिकली। थैंक यू, जय गौ माता।